अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम दानियाल है और इम्प्रेस मार्केट में मेरी शॉप है और विला टाउन में मेरा फार्म हाउस है। ऑस्ट्रिच, चकोर, पिजन, मोर और पीतर ऑल वैरायटी मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको जिस भाई को भी इन ऑस्ट्रिच वगैरह में कुछ भी चाहिए, ऑस्ट्रिच का मीट चाहिए, एग्स चाहिए या इनक्यूबेटर चाहिए, आप रब्ता कर सकते हैं। नए लोगों को एक मेन जो मतलब पेश आता है वो ओवर फीडिंग होती है, कि वो समझते हैं कि हमारा जो ऑस्ट्रिच का चिक है उसको मतलब भूख लगी है या अभी उसने मुकम्मल फीड नहीं किया, लेकिन वो कर चुका होता है, इजाफी खाता है, उसका कोटा जाम हो जाता है और बच्चे की मोर्टैलिटी रेशियो के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसका हल अभी मैं आपको बताता चलूँ, हल ये है कि आप खुराक कम डालें, इतनी डालें कि जिसमें वो नॉर्मल बस हालत जिंदा रह सकती, बाकी ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं। और फ्लशिंग करते रहें, हम ये फ्लशिंग तो तमाम बर्ड्स भी करें, चाहे आपके पास पैरट्स हैं, ऑस्ट्रिच हैं, चकोर हैं, महीने में एक मरतबा गुड़ वाला पानी पिलाएं, जिनके ज़रिए उनके मैदे के हर चीज़ के जरासीम ख़त्म होते रहते हैं और जो है ना बच्चा मोर्टैलिटी भी होने से बच जाए। ऑस्ट्रिच के बच्चों का जो अंडों का हैचिंग टाइमिंग है वो 40 से 42 दिन है। और एक और आप कुछ चीज़ बताता चलूँ कि 42वें दिन अगर बच्चा ना निकले तो अमूमन ज़्यादातर 90 से 95% इसका खोल आपको खुद तोड़ना होता है, ये कभी अपना खोल नहीं तोड़ता। ऑस्ट्रिच का बच्चा अंदर से कमज़ोर होता है, इसलिए खोल नहीं तोड़ पाता, उसके अंडे का खोल हाथ से तोड़ना पड़ता है। उसके बाद उसे 17 दिन तक एक मखसूस टेम्परेचर पर रखा जाता है, 17 दिन के बाद हम उसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ले आते हैं और उसे जो है बस ओवर फीडिंग से बचाया जाता है और तकरीबन एक महीने तक उसे आप हाथ से पानी पिलाते हैं, उसके बाद वो खुद हैंड फीड भी खुद खाने पीने लग जाता है और नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में आ जाता है। सर देखें, पोल्ट्री से ज़्यादा जो फार्मिंग है मैं समझता हूँ चकोर और ऑस्ट्रिच की है। पोल्ट्री से ज़्यादा मैं पहले नंबर पर चकोर की फार्मिंग समझता हूँ और सेकंड नंबर पे जो है ना ऑस्ट्रिच समझता हूँ। ऑस्ट्रिच ये है ना सर, उसका जो है खाना पीना ज़्यादा करता है, ख़र्चा ज़्यादा होता है, लेकिन उसके मुकाबल वो उसका जो है रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट करके आपको देता है। तो मेरा यही मशवरा है कि आप इसकी तरफ जो है ना आगाही हासिल करें, बस आगाही की कमी है, लोग उस चीज़ के पीछे दौड़ते हैं जो सब लोग कर रहे हों, तो जो सब लोग चीज़ कर रहे होते हैं फिर उसमें मुनाफा कम रहेगा। वो तो आपके बर्ड पर है कि आप कितने बर्ड रखते हैं, नॉर्मल आपके पास बिल्कुल भी करें तो आधा एकड़ जगह होनी चाहिए कि जिस पर आप 6 से 7 से 8 पीसेज रख सकते हैं, जिसमें से 2 से 3 नर और बाकी मादी हों। हम 1+3 या 1+2 ट्रायर का पेयर बनाते हैं। अभी मेरे पास जो अवेलेबल है मैंने अपने फार्म हाउस पे 1+3 का पेयर बनाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फर्टिलिटी आ रही है, इसमें कोई बीमारी नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ इसका खदशा होता है 6 महीने तक बीमार होने का, वो सिर्फ कहीं आपने इन्हें ठंड में रख दिया, सर्दी में रख दिया या इंतहाई गर्मी में रख दिया, या फिर आप इसे ओवर फीडिंग करा देते हैं, इसके बाद ये ज़िंदगी में कभी भी ना बीमार होता है ना मरता है। और इसका वज़न ज़्यादा होता है तो इसकी टांगें टूटने का ख़तरा होता है, वो भी तब जब आप उसे ऊंचाई से नीचे गिराएं या गिरने लगे या फिर कहीं वो गिरे वगैरह। इस तरह मज़ीद जो लाइफ स्टॉक के चैनल पर ये वीडियो देख कर हमारे पास आएँगे, मज़ीद ज़्यादा डिस्काउंट भी किया जाएगा, उनकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी, उनको हर चीज़ बताया जाएगा और उनसे वापस चेक भी खरीदे जाएंगे। अगर आप मिसाल एक दिन का चेक लेते हैं तो हम उनसे 2 महीने का चेक वापस जो है ना अच्छे मार्जिन में खरीद लेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, मज़ीद कारोबार चुन कर करें, ये मेरा मैसेज है। मज़ीद इसके बारे में जो भी हो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी अच्छी रहनुमाई की जाएगी। अल्लाह।